हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोनेट 29, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसमें उन्होंने अपनी फीलिंग बताई है कि वो बहुत सैड फील कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बोला है कि वो बहुत सैड फील कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी मान रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनको आउटकास्ट कर दिया गया है, कि मतलब कि कोई भी उनसे मतलब नहीं रखना चाहता और ना ही उनसे कोई बोलता है। ऐसा लगता है कि उनको उनकी जगह से अलग, उस देश से अलग सा निकाल दिया है और कोई भी उनसे मतलब नहीं रखना चाहता है, ना ही उनसे कोई बोलता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वो बोलते हैं कि जब मैं ऐसी स्थिति में होता हूँ तो मैं भगवान को याद करता हूँ, लेकिन भगवान भी मेरे नहीं सुनते हैं। ऐसा लगता है क्योंकि मेरे जो दुख हैं वो कम ही नहीं हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी मेरी नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं जो हेवन है वो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है मेरा। वो बोलते हैं फिर तो मेरा रोना बेकार है, क्योंकि जब कोई रोता है इंसान तो वो ये सोचता है ना कि कोई उसको चुप कराएगा, उसकी हेल्प करेगा, उसके दुख को समझेगा। पर वो कह रहे हैं मुझे लगता है मेरा रोना बेकार है, क्योंकि जब कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, तो मेरा रोना बेकार है। वो बोलते हैं कि उसकी कुछ विशेज हैं और अगर वो पूरी हो जाती हैं तो उनके सारे दुख, सैडनेस और जो भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, वो तब ऐसा नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं कि मेरी कोई ज़्यादा बड़ी विश तो है नहीं, मेरी विश ये है कि एक तो मैं रिच हो जाऊँ। अब यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है कि वो चाहते हैं कि वो रिच हो जाएं और हेल्थी हो जाएं और उनको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो अब वो किस चीज़ से रिच होना चाहते हैं, उनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या फिर वो हेल्थ वाइज फिट होना चाहते हैं, या फिर मतलब अपने नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, तो वो रिच किस वे में होना चाहते हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। बस वो इतना कह रहे हैं कि एक तो मैं रिच हो जाऊँ, मैं हेल्थी हो जाऊँ और मुझे अपनी लाइफ से सारी सेटिस्फेक्शन हो, मुझे कोई भी शिकायत अपने उससे ना हो। फिर वो बोलते हैं मैं इतना दुखी क्यों हूँ ये मैं खुद नहीं जानता। वो कहते हैं कि मैं इतना नेगेटिव क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्यों मैं इतना डिप्रेस हूँ, मैं खुद नहीं जानता। और वो बोलते हैं कि मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी भी काम में इंजॉयमेंट नहीं मिलती, और जब मुझे इंजॉयमेंट ही नहीं मिलती तो मैं उस काम को क्यों करूँ। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी काम में मज़ा नहीं आएगा तो हम उसको क्यों करेंगे। हम हर एक काम करते हैं कि उसकी कोई ना कोई वजह होती है। जब मेरी कोई वजह ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ इन्जॉयमेंट ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं उस काम को क्यों करूं। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, अब यहाँ पे तुम्हारे मेंशन नहीं है कि वो किसको बोल रहा है, उसका कोई दोस्त है, उसका कोई रिलेटिव है, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या उसका बहुत कोई करीबी है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। बस वो ये बोलता है लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ और मुझे अपनी लाइफ से पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मुझे और कुछ पाने की चाहत नहीं रहती, मुझे सब कुछ मिल जाता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो दुनिया है वो दुखों का घर है, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है वो एक स्वर्ग है और मैं उस स्वर्ग के गेट पर खड़ा हुआ हूँ। मुझे और कुछ चाहने की ख्वाहिश ही नहीं रह जाती जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और अगर उस टाइम मुझसे कोई ये बोले कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो और हम तुम्हें राजा महाराजा बना देंगे या जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, तो भी मैं उस इंसान से इतनी घृणा महसूस करूँगा, क्योंकि मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी राजा बन के भी मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी मुझे तुम्हारे बारे में सोच के मिलती है। इसलिए जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो वो यही सारी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने आप को फील सैड बता रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। और फिर वो तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ, किसी को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उनका कोई दोस्त है या उनके कोई रिलेटिव है, कोई गर्लफ्रेंड है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर, थैंक यू।